नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं, सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते हैं भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां चला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। गलत फहमी में हो, मोदी जी ने नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना इनके पीछे लगाम लगी है, वैसे ही लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलत फहमी में मत रहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। 24 घंटा अंबानी जी और अदानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट, मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है, और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए, मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, जब वो 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत के बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए, नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए, मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। ये हजारों साल से कोशिश कर रहे हैं भाइयों और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है, ना, ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ये फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई, हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत भाई, नफरत मोहब्बत से ही कटती है। आप देखो, मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो, देखो, मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6-7-8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला, जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे मैंने कभी नहीं कहा
मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा कि यह यात्रा 2-3 दिन चलेगी। हम कन्याकुमारी से निकले, मैंने कहा, प्रेस के मित्रों कहा, मगर ये मित्रों का काम नहीं करते हमारे साथ। देखो देखो, पीछे पीछे घूम के देख रहे हैं, देखो, घबराइए मत, क्योंकि ये पूरी की पूरी भीड़ जानती है कि आपकी गलती नहीं है, आप पर लगाम बांधी हुई है, आप बंधे हुए हो, आपकी गलती नहीं। हम समझते हैं आपकी मजबूरी है, आपको बच्चों को खाना खिलाना है, आपको तनख्वाह लेनी है, आपको भी जीना है, तो हम आपके खिलाफ नहीं है। मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा, 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है थोड़ा दिखा दो। आप 24 घंटा अंबानी जी और अदानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट। तो कहा, पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई। फिर कहते हैं ठीक है भैया, अब कह रहे हैं, अब मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोविड कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, मैं उसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये आपका औजार है, ये आपका हथियार है। किसका? किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का, ये उनका हथियार है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, आने वाला समय हरियाणा की जनता का, किसान का, मजदूर का होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। कहते हैं पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और जो मजदूरी ऊपर नहीं चला रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। गलतफहमी में हो, मोदी जी ने नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना, इनके पीछे लगाम लगी है, वैसे ही लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, वो आपको बता देगा, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद।
वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है, ये था सपना आपका। और यही सपना हमें पूरा करना है, क्योंकि अंत में भाई और बहनों, अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं, उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं। आजकल बीजेपी आरएसएस ने क्या किया? हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला दी। चलने से पहले मैंने सोचा था, कन्याकुमारी से शुरू करने से पहले मैंने सोचा था पूरे देश में नफरत है, मैं घबराया हुआ था। मगर कन्याकुमारी से जब निकला, मुझे एक बात पता लगी, नफरत नहीं है इस देश में, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं, सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते हैं भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां चला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है, चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं, यह छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए इस यात्रा में, आप पूछिए किसी से, पूछिए क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया, क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई, क्या आपको धमकी दी गई, क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से आप पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान, ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा फेराओ इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।